जो 17 महीने थी उसमें हम लोगों ने आरक्षण जो है सीमा 75% बढ़ाया, जिसमें 65% EBC, OBC, SC, ST के लोगों का बढ़ाया और EWS 10% एज इट इज रखा। ये तब हुआ जब हम लोगों ने जाति आधारित गणना हमारी सरकार ने कराई थी केवल 17 महीने में, और उसका जो रिपोर्ट देखेंगे जाति आधारित गणना का तो 85% है जो बहुजन समाज है, लगभग जो है 85% है। तो हम लोगों ने आरक्षण जो बढ़ाया वो 65% किया, 10% EWS का रखा, और उसके बाद हम लोगों ने मांग की थी, आप सब लोग वहाँ मौजूद थे मुझे याद है, कैबिनेट के बाद हम सब लोग विजय चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, विजेंदर जी, सब लोग मेरे नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और वहाँ ये बात रखी गई कि हम लोगों को डर है भाजपा के लोगों से कि ये लोग फिर जैसे हम लोगों का सर्वे रुकवाने का काम किए थे, जाति आधारित गंदा रुकवाने का काम किए थे, हो सकता है इस आरक्षण को भी रोकने का काम करें। तो हम लोगों ने मांग की कि इसको शेड्यूल लाइन में डाल दिया जाए केंद्र सरकार से। विधानसभा से आप सब लोग जानते हैं कि मेरा जन्मदिन था उस दिन 9/11/2023 को पारित हुआ था, कोर्ट का आदेश आता है 20/7/2024 यानी 20/6 या 7 जो भी है, तो लगभग जो है 6-7 महीने हो गए, और केंद्र सरकार को हम लोगों ने सिफारिश भी कैबिनेट से भेजा कि इसको शेड्यूल लाइन में डालो, तो नहीं डाला गया, इस पर कोई जिक्र भी नहीं किया गया, केंद्र सरकार के लोगों ने गंभीरता भी नहीं दिखाई। तो ये साफ दिखाता था कि देश में पहली बार ऐसा हुआ था जहाँ जाति आधारित गणना भी हुई थी और आरक्षण की सीमा भी इतनी बड़ी तादाद में बढ़ाई गई थी, तो हम लोगों को था कि तमिलनाडु के तर्ज पे इसको सिक्योर कर लिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको निग्लेक्ट किया, नकारा, और कोर्ट में कोई लोग जा कर के इसको रुकवा दिए, और ये रीज़न कोर्ट का आता है, कोर्ट का आदेश में कि विदाउट स्टडी जो है इसको जो है किया गया है इसलिए रोका जाए। ठीक है, कोर्ट का जो आदेश था इससे निरस्त हो गया, लेकिन विदाउट स्टडी तो भाई EWS भी हुआ था, उसमें कौन सा आंकड़ा निकाला गया था, यहाँ तो कम से कम जाति आधारित गणना हुई थी, 50% बैरियर बीजेपी की सरकार ने तोड़ा था EWS को जोड़ने में, हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन यहाँ तो 85% बहुजन की आबादी है, बहुजनों की, तो 65% दिया गया तो भी जो है ये खारिज हुआ, तो इसको शेड्यूल लाइन में लोगों ने नहीं डाला। हमारी आज यही मांग थी कि अगर सरकार चाहती है, क्योंकि इच्छुक है, तो कम से कम कमिटी बना दी जाए ताकि स्टडी भी हो जाए, और आनंद फानन में जो है इसको कैबिनेट भी ले आया जाए, इस पर संशोधन करना हो, हम लोग 75% के थे, इस बार 85% वाला हम लोग ले आते, क्या दिक्कत है। तो अगर सरकार अगर इच्छुक होगी तो नया बिल ला सकती है और कमिटी भी बन सकती है, और जब आर्ग्यूमेंट जब चल रहा था, जब बीजेपी NDA की सरकार यहाँ बन गई फरवरी में, कब बना था, फरवरी में, जनवरी फरवरी जो भी था, जब भी ये सरकार बनी, ये कोर्ट में बाद में मैटर में आया, आर्ग्यूमेंट में इनके लोगों ने ये क्यों नहीं रखा कि विदाउट स्टडी EWS भी हुआ था, इसी का कारण है ना कि RJD जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, तो आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। तो यही मसला था जिसमें सरकार द्वारा जो है जलेबी छाना जा रहा था, अरे भाई ले लो यार, जिसको श्रेय लेना ले लो, हम चिंतित हैं केवल जो आरक्षित लोगों को रोजगार जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर के चिंतित है। अगर सरकार आरक्षित लोगों के रोजगार को लेकर के अगर चिंतित है तो तुरंत आनंद फानन में ये बिल लाए, हम लोग सब लोग पास करें। सर लेकिन 85% आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए कह रहे हैं ना, बड़ी बात तो ये है। तो नया बिल आ जाएगा ना, तो संशोधन हो जाएगा, स्टडी भी हो जाएगा ना, अब ज्यादा देने को कह रहे हैं, क्यों नहीं, बहुजन की आबादी जो जाति आधारित गणना में क्या है 85, हम तो 75 बोल रहे ना देने, और 10 रखो तुम EWS का, क्या दिक्कत है उसमें, 85 के 85 भी मिल जाए तो बैरियर टूट गया ना, एक बार 50% का जब बैरियर टूट गया उसको 100 करो, क्या दिक्कत है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ स्टेटस क्या है सुप्रीम कोर्ट का, अभी तो विलंब है, डेट पे डेट आ रहा है, जब भी होगा तो हम लोग तो मजबूती के साथ रखेंगे। चलिए शुक्रिया। संगत का असर पड़ता है ना, किस संगत का असर पड़ता है कि नहीं पड़ता, आपकी यारी दोस्ती जैसी होगी वैसी होगी,
हम लोग ठीक कर देते हैं, उधर जाते हैं खराब कर देता है।